हेलो दोस्तों, मैं शमीम और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल नालायक बॉयज सेम। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ बॉलीवुड के सबसे हैंडसम एंड खलनायक विलन। जी हाँ, प्रेम चोपड़ा जी का घर, उनका बंगला, मतलब उनका घर कहाँ पर है और उनकी बायोग्राफी, उनकी कार कलेक्शन, आज की वीडियो में आपको फुल जानकारी देने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहे एंड तक और वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं प्रेम चोपड़ा जी की बिल्डिंग के पास। जैसे कि मैं ये आप मेरे बैकग्राउंड में बहुत ही ऊंची सी बिल्डिंग देख रहे हो, ये बिल्डिंग, मतलब ये बिल्डिंग जो है एक्चुअली यहाँ पर ये पूरा सोसाइटी एरिया है। ये जो सोसाइटी एरिया है, इसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर रहते हैं प्रेम चोपड़ा जी। और अगर आप भी इस लोकेशन पर अगर आना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जैसे कि आप लिखा हुआ देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है निभाना एनेक्स। तो इसी तरीके से आप अगर आप ये जो सीधा रोड देख रहे हो वहाँ पर आपको राइट साइड में मुझे आप मुड़ोगे तो वहाँ पर भी आपको यही लिखा हुआ मिलेगा निभाना। तो आप रिक्शा वाले से भी बोल सकते हो कि हमें जाना है बांद्रा स्टेशन से, रिक्शा लोगे तो आपको बोलना है पाली ही नरगिस दत्त रोड निभाना एनेक्स। तो ये बोल रहे होंगे तो आप एग्जैक्टली आपको इस लोकेशन पर लाकर छोड़ देगा रिक्शा वाला। तो आप मेरे बैकग्राउंड में जैसे ये देख रहे हो बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म 23 सितंबर 1935 में हुआ। इनके पापा का नाम है रणवीर लाल चोपड़ा और माँ का नाम है रूप रानी चोपड़ा। इनका एक भाई है कैलाश चोपड़ा, जो कि कैलाश चोपड़ा जो कि एक प्रोड्यूसर है। और इनकी बहन का नाम है अंजू चोपड़ा। इनका परिवार लाहौर का रहने वाला था ब्रिटिश के ज़माने में। जब पाकिस्तान का हिस्सा हुआ तब ये शिमला रहने चले गए और ये यहाँ पर इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से अपनी पढ़ाई की और यहीं पे इन्होंने बीए क्वालिफाइड हुए और थिएटर भी किया, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी। हालाँकि इनके पिता खुद बहुत ही ऊंची पोस्ट पे थे और उनकी ख्वाहिश थी कि प्रेम चोपड़ा आगे जाकर इसे आईएएस बने या डॉक्टर, लेकिन जिसने एक बार कला को पकड़ लिया वो किसी की कहाँ सुनता है। प्रेम चोपड़ा ने कहा मुझे तो थिएटर ही करना है, लेकिन उनके पापा ने कहा ये बहुत ही इनसिक्योर प्रोफेशन है, क्या कर पाऊंगे इसमें। और इनके पापा ने कहा पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, एक जॉब पकड़ो, उसके बाद मुंबई जाओ, पूरी तैयारी के साथ जाओगे तो शायद कुछ काम बन जाएगा। और अपने पापा की बात मानते हुए इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मुंबई जाके टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्कुलेशन डिपार्टमेंट में जॉब ले ली। बहुत ही स्ट्रगल के बाद भी इन्हें कोई रोल नहीं मिल रहा था, फिल्म इंडस्ट्री में जान पहचान भी नहीं थी। इसी बीच ये लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और एक आदमी ने इनके हाथ में फोटोग्राफ देखे और पूछा एक्टिंग करना चाहते हो। तो प्रेम चोपड़ा ने कहा जी हाँ। तो इन्होंने कहा देखो ये एक पंजाबी फिल्म है। तो प्रेम चोपड़ा ने कहा पंजाबी मूवी से ही एक्टिंग का चांस तो मिलेगा। इन्होंने उस फिल्म में बतौर एक हीरो का काम किया, लेकिन हीरो बनने से इनकी बात नहीं बन रही थी, कोई कामयाबी भी नहीं मिल रही थी लेकिन इन्होंने अपनी जॉब भी नहीं छोड़ी थी। इसकी वजह से इनका गुजारा जैसे तैसे चल रहा था। और इसी बीच इन्हें एक फिल्म मिली मनोज कुमार के साथ शहीद, जिसमें इन्होंने शहीद सुखदेव का किरदार निभाया था। इस फिल्म में इन्हें कामयाबी तो मिली लेकिन वैसे नहीं, इसलिए उन्होंने अपनी जॉब अब तक नहीं छोड़ी थी। ये अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए इन्होंने बहाना करना शुरू कर दिया। जैसे ये नए शूटिंग पर जाना होता था तो ये बहाना कर देते थे कि मेरी खुद की शादी है, और यहाँ शूटिंग के लिए जाते रहते थे। फिर जैसे ये काम पर जाते तो इन्होंने अब मेरे घर वाले दूसरी लड़की ढूंढ रहे हैं, जैसे तैसे काम चल रहा था। लेकिन इसी बीच इनकी एक मूवी आई पुकार, जिसके बाद इन्हें कामयाबी मिलनी शुरू हो गई और अब वो दोनों नाव पर पैर रख के सवार नहीं हो सकते थे। इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और फिर एक फिल्म में काम करने का मौका मिला, वो कौन थी। इसमें इन्होंने विलेन का रोल किया और इस बात से मिस्टर महबूब नाराज़ हुए, क्योंकि वो इन्हें हीरो के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में लाना चाहते थे।
जो कि मदर इंडिया जैसी सुपरहिट फिल्मों के डायरेक्टर थे। लेकिन उस दौरान इनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से ये उनके साथ मूवी नहीं बना पाए। और मिस्टर महबूब ने कहा कि तुम्हें इस फिल्म में विलेन की एक्टिंग इतनी अच्छी ही की है कि तुम हीरो नहीं बन पाओगे, ये इंडस्ट्री तुम्हें विलेन बनाकर ही छोड़ेगी। लेकिन उसके बाद भी इनकी ज़बरदस्त एक्टिंग इन्होंने बड़े बड़े स्टार्स को टक्कर देने लगे। इनकी जोड़ी पहले राजेश खन्ना के साथ खूब जमी और इन दोनों के साथ तरक्की तकरीबन 19 फिल्में की है, जिसमें 15 फिल्में सुपरहिट साबित हुई। और एक दिन इनके पास मशहूर डायरेक्टर राज कपूर आए, कहने लगे मेरी फिल्म बॉबी में तुम्हें करना पड़ेगा और डायलॉग बोलना होगा। प्रेम चोपड़ा ने कहा फिल्म इंडस्ट्री में इतनी जान पहचान है कि गेस्ट अपीयरेंस नहीं देता, कि अगर डायरेक्ट के लिए मैंने गेस्ट अपीयरेंस दी तो इस इंडस्ट्री के सभी लोगों के साथ मेरा रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। लेकिन इनकी वाइफ और राज कपूर की वाइफ की बहन थी, इसलिए इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया। वैसे भी राज कपूर को कौन इनकार कर सकता था। और इनके कलीग्यू प्रेमनाथ ने कहा अगर मैं ये फिल्म हिट होती है तो बच्चे बच्चे के ज़ुबान पर ये नाम होगा, जो डायलॉग है प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। और ठीक ऐसा ही हुआ। बदलते वक्त के साथ इन्होंने विलेन के साथ साथ कॉमेडी रोल्स भी करना शुरू कर दिया, जैसे कि राजा बाबू, और इन्होंने कुछ इमोशनल सीन्स भी किए हैं। और इन्होंने इस इंडस्ट्री को अपने 60 साल दिए और इसमें इन्होंने 380 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया। और इनकी नेटवर्थ है 350 करोड़ रुपए। बात करें इनकी कार कलेक्शन की, तो इनके पास ऑडी A6 जिसकी कीमत 55 लाख रुपए और सेकंड BMW 5 सीरीज जिसकी कीमत लगभग 60 लाख रुपए है। और अगर हम बात करें इनकी शादी की, तो इनकी शादी हुई उमा जी से सन 1969 में हुई। ये राज कपूर सर की वाइफ की बड़ी बहन है और इस शादी से इन्हें 3 लड़कियाँ हैं, रकीता, पुनीता, प्रेरणा। ये उन कलाकारों में से एक है जिन्होंने ब्लैक एंड वाइट सिनेमा देखा। और बदलते वक्त में इन्होंने रणवीर कपूर के साथ भी काम किया। यकीनन भारतीय सिनेमा में के इतिहास में इनका नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। तो दोस्तों, इसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर रहते हैं हमारे बॉलीवुड के कहे जाने वाले विलन, खलनायक विलन प्रेम चोपड़ा। और इसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं इन्हीं के दामाद शर्मन जोशी जी। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो इसी लोकेशन पर मैं अपनी वीडियो का एंड करता हूँ। और मैं एंड करने से पहले आपको यहाँ पर एंट्री गेट के पास की वीडियो का थोड़ा नज़ारा दिखा देता हूँ कि कभी अगर आप यहाँ पर आना चाहो तो आपको कैसे आना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको आना है इधर नरगिस दत्त मार्ग, यानी कि इस रोड का जो नाम है वो है नरगिस दत्त मार्ग। और इस रोड के आप इधर साइड में, लेफ्ट साइड में देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है निभाना कोऑपरेटिंग ऑफ हाउसिंग सोसाइटी। ये सोसाइटी है, इस सोसाइटी में ही रहते हैं हमारे बॉलीवुड के विलेन प्रेम चोपड़ा जी। तो दोस्तों, इसी वीडियो का हम यहीं एंड करते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा।